एक दिवसीय योग कार्यशाला का यह कार्यक्रम GPENWS दरियापुर आरा पब्लिक स्कूल में कराया जा रहा है और इसमें छठा सातवां और आठवां के बच्चे यहां पर उपस्थित हैं और पूरा विद्यालय परिवार यहां पर खड़े हैं और पूरा विद्यालय परिवार मिलकर के बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है। और यह कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा योग ऋषि परम पूज्य सहदेव गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा देश के सभी जिलों में एक साथ सभी गांव, सभी विद्यालय, सभी सरकारी निजी संस्थानों में चलाया जा रहा है कि भारत हमारा योगी हो जाए और जिस देश का एक एक व्यक्ति योगी होगा वहां से भ्रष्टाचार मिटेगा, वहां से नशा खत्म होगा, वहां से बलात्कार से लेकर के तमाम जो कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर कर सकते हैं। और ये दूर तभी होगा जब हम योग करेंगे। लाख सरकारी योजनाओं को चालू करें लेकिन जो व्यक्ति योग नहीं करेगा वह व्यक्ति पवित्र, वह व्यक्ति सदाचारी हो ही नहीं सकता है, ये अकाट्य सत्य है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे वैदिक मंत्रों के द्वारा ध्यान मुद्रा में। ऐसे दोनों हथेली घुटना पर, हथेली आसमान की तरफ खुली हो, आंखें बंद, एक बार ओम का उच्चारण और एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी आँख को खोलेंगे आप लोग। अभी हम लोगों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आइए आज हम आपको तीन तरह के प्राणायाम बताएंगे। कितने प्रकार के? तीन तरह के प्राणायाम बताएंगे। सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये विद्यार्थियों के लिए ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का नाम सुने आप लोग? संजीवनी बूटी किनको बचाया था? हाँ, लक्ष्मण जी को। नहीं तो ये बच्चों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, ज्यादा ही बड़ा है, समझ गए? रोज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसका अभ्यास करेंगे। तो सभी सीधे बैठ जाइए और भस्त्रिका प्राणायाम हम सब दो दो मिनट इसका अभ्यास करवाएंगे, तरीका बताएंगे और आप लोग घर में इसका नियमित अभ्यास करिएगा। सभी सीधे बैठेंगे, दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे सांस भरिए। सभी आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके मन शांत करके सांस को अंदर भरना है फेफड़े में, डायफ्राम में, और सांस को पुनः डायफ्राम से बाहर करना है। सबका ध्यान सांसों पर टिका हो, आंखें बंद हो। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितना खून है, ब्लड है, रक्त है, वह सब शुद्ध हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक मिनट में शरीर का पूरा रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय में प्रवेश करता है और वहाँ ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर के पुनः शुद्ध रक्त शरीर को प्राप्त होता है। यह क्रिया निरंतर अंदर चलते रहता है। सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए। अब इस अभ्यास को थोड़ा सा तेज कर लीजिए, आँख खोल लीजिए। जिनको सर्दी है, जिसका नेटा चूता है, 5 दिन में सूख जाएगा नेटा। आँख खोलो, अब पूरा जोर जोर से सांस भरो। कभी हार्ट अटैक नहीं हो, करो करो। कभी लकवा नहीं मारेगा, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा और कभी भी सोरायसिस, चर्म रोग से लेकर के कभी एक्जिमा, सफेद दाग नहीं होगा। इतना नेता चूरा, फेंको नेता को। Thank you.
इतना तो नेता चूहे के डरे सांस नहीं ले रहा है कि नेता गिर जाएगा नहीं। फेंको पूरा जोर जोर से, पूरा खींचो। अब रुक जाओ, ये पेट का अभ्यास नहीं, ये केवल डायफ्राम का अभ्यास हो रहा है, ठीक है। इसमें 5 सेकंड तक सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और जो ऐसा करेगा 5 मिनट खून शुद्ध होगा। और दामा बोलो, दामा बोलो, दामा हाफ, सांस की बीमारी, गले की बीमारी, साइनस, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पैसा लगा हो, एक को बीमारी हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, तो पूरा दरियापुर के खेत बेच दीजिएगा तो नहीं ठीक होगा उस आदमी को, ठीक होगा। इसलिए आप लोग दरियापुर का खेत बेचवाना चाहते हैं अपने गांव का, नहीं ना? इसलिए बेटा इसको रोज कर लेना 5 मिनट, कितना मिनट?